नहीं साथ देते ये सदा आदमी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। चला करके दिल में दया का फुहारा, दिए दिन दुखियों को जिसने सहारा। चला करके दिल में दया का फुहारा, दिए दिन दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है, निकट मौत। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली जा रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत जन बताते हैं, दो बातें बताते हैं, दो की याद कराते हैं, एक राम का याद कराते हैं और दूसरा मौत का। भजन में हम श्रवण किए कि मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। जीवन का जरा भी भरोसा नहीं है, क्यों? क्योंकि कब इस दुनिया से हम पलायन कर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं। उम्र की उम्र नहीं देखता है मौत, वो तो कोई भी समय कोई भी उम्र में इस दुनिया से जाना पड़ता है, चाहे बच्चा हो, किशोर हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध न तरुण विचारे। ये क्या है, ये किसी को देखता नहीं है, बल्कि हमें इसका तैयारी भी करना चाहिए। किसी ने संत बताते हैं कि जीवन में आप उसको याद करें जो आपके अंतिम जो याद करना है उसको। यदि आप मौत को, राम को, अपने आप को याद करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें आप हर्षित शोकित नहीं होंगे, उसमें आप दुखी नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, आपका मन चंचल नहीं होगा। इसलिए
हम याद करें, क्योंकि जीवन तो जाने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। ये जीवन क्या है, एक दिन जाने वाला है, लेकिन जाने के पहले, इस दुनिया से, इस संसार से विदा लेने के पहले हमें वह काम कर लेना चाहिए जो हमें करना चाहिए। हमें क्या काम करना चाहिए, अपने आप का बोध प्राप्त कर लेना चाहिए, अपने आप से परिचय कर लेना चाहिए, अपने जीवन में शांति ले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम अशांत जीवन जीते हैं, अशांत जीवन जीते हैं, दुखी जीवन जीते हैं, तो फिर ऐसे ही दुखपूर्ण हमारा जीवन बीतता चला जाएगा। लेकिन यदि हम राम को याद करते, अपने आप को बोध प्राप्त करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, संगत चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान तो संत लोग पुस्तक में बता दिया है, पुस्तक में लिख करके हम लोग के बीच रख दिया है, पका पकाया भोजन हम लोग के सामने रखा हुआ है। और यदि उस पके फुकाए भोजन को थाली में सजा करके हमारे सामने रख दे कोई, और यदि उसे हम ग्रहण न करें, तो फिर दोष किसका है? हमारा ही दोष है, हम भूखे रह जाएंगे, हमारे हमारे शरीर में शक्ति कहाँ संचार होगी। ऐसे ही संतजन जो तपस्वी पुरुष हुए हैं, जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं, वे क्या है, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को पुस्तक के माध्यम से हम लोग के बीच परोस कर रख दिया है। यदि हम उन ज्ञान को ग्रहण न करें, उस ज्ञान को जीवन में लाए ना, तो फिर दोषी कौन है और अशांत कौन होगा? क्योंकि सारे उपाय उन पुस्तकों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से संत बता चुके हैं कि कैसे आपको जीवन जीना है, कैसे आपके जीवन में प्रसन्नता को लाना है, कैसे अपने आप का बोध प्राप्त करना है, कैसे अपने जीवन को संवारना है, कैसे सुखमय जीवन जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे परिवार में जीवन कैसे व्यवहार, सामने वाले लोगों के साथ कैसे हम बर्ताव कर, सारी बातें हम लोग के बीच रख दिए हैं। लेकिन हमारे एक ऐसी बुरी आदतें हैं, हमारे ऐसी कमजोरियां हैं, जिसके कारण हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वैसे हम जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता कि देखो कब हम इस जीवन से हम विदा हो जाए, कुछ भरोसा है किसी का? आज बैठे ही हैं, सांस आए कि जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन करें, भजन में लगे, अपने आप का बोध प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आज तक जो जीवन हम जी चुके, जो जीवन हमारा बीत चुका, उसकी हम अफसोस ना करें। कैसे जिए, किसके लिए हानि किए, लाभ किए, दुख में जीवन जिए कि आसान जीवन जिए, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में हम अभी यदि हम सचेत हो जाते हैं और अच्छे ढंग से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो आज ये हमारा जीवन समझ सकता है और बन सकता है और अपने आप का बोध प्राप्त कर सकते हैं, यही संत जन बताते हैं। आए इसी क्रम में आगे बढ़े हम लोग के बीच बहुत दूर से कबीर आश्रम परसोदा कांकेर जिला से पधारे हुए संत उमेंद्र साहब जी, आपसे निवेदन है कि आप भी इस अवसर पर हम लोग के बीच भजन एवं प्रश्नों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री उमेंद्र साहब जी, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।
परम पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मूद मंगल मैसन समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों तथा माताओं, मेरे लिए आज्ञा हुई है आज्ञा पालनार्थ आप सब के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लिपटाए, कीच रहा लिपटाए, लाल पड़ा मैदान में कीच रहा लिपटाए, कीच रहा लिपटाए, निगुर निगुरे लखी गए सगुरा लिया उठाए, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। सबके पल्ले लाल है सबही साहूकार, सबही साहूकार, सबके पल्ले लाल है सबही साहूकार, सबही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं, गांठ खोल पर खा नहीं, या विद्या व्यवहार, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, इधर से अंधा जाए, उधर से अंधा आवता इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। मक्खी बैठी शहद पे पंख रहे लिपटाए, पंख रहे लिपटाए, मक्खी बैठी शहद पे पंख रहे लिपटाए, पंख रहे लिपटाए, उड़ने की आशा करे, उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बलाए, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की, हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। जो मेहंदी के पात में लाली लखे न को, लाली लखे न को, जो मेहंदी के पात में लाली लखे न को, लाली लखे न को, लाली लखे कबीर ने, लाली लखे कबीर ने, लाल लाल के हो मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की,
हो मेरे सतगुरु दई बताय दलाली लालन की, हो मेरे सतगुरु दई बताय दलाली लालन की, ओ मेरे सतगुरु दई बताय दलाली लालन की। बोलो सतगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सदगुरु कबीर साहब की एक शाखी है, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न ज्ञान, दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस शाखी के माध्यम से प्राणी मात्र को सावधान करते हैं, समझाते हैं। क्या साहब कहते हैं? पारख बिन परिचय नहीं। साहब कहते हैं पारख, परख, परखना, जांचना, समझना क्या सही है क्या गलत है। साहब कहते हैं कि पारख के अभाव के बिना आदमी इस संसार में यत्र तत्र भटक रहा है। आप सहज ही समझ सकते हैं कि एक चींटी जो है के सामने अगर चीनी और कंकड़ आप रख दीजिए तो वो चींटी चीनी को ग्रहण कर लेगी, उठा लेगी और कंकड़ को छोड़ देगी। एक सामान्य प्राणी, लेकिन आज मनुष्य परख के अभाव में, परख के ज्ञान के बिना, पारख के ज्ञान के बिना आज उनकी विवेक बुद्धि खो गई है। क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें सुनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, इतने भी समझ नहीं है। लेकिन मनुष्य इस धरती तल का बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, लेकिन किसके कारण? मनुष्य को मननशील प्राणी कहा गया है, बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है, तो इसकी वजह है समझ, विवेक। विवेक के ही कारण मनुष्य इस प्राणी जगत का बुद्धिजीवी प्राणी है। एक छोटी सी अगर मिट्टी का चूहा बना दिया जाए, एक मिट्टी का चूहा बना दिया जाए और कहीं एक कोने में रख दीजिए, तो क्या उस मिट्टी के चूहे पर बिल्ली दौड़ेगी? नहीं ना। इसको सहज समझा सकता है कि मिट्टी के चूहे पर बिल्ली दौड़ नहीं लगाएगी, उसको पकड़ने के लिए नहीं दौड़ेगी। लेकिन जिसे हम बुद्धिजीवी प्राणी कहते हैं, मनुष्य को, उसको देख लीजिए,
कहीं मंदिर में मस्जिद में सुंदर मूर्ति की स्थापना की और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और उस मंदिर में करोड़ों की भीड़ होती है, उस मंदिर में हजारों करोड़ों की भीड़ होती है, तो क्या वहां पर मनुष्य को समझ नहीं आना चाहिए कि एक मिट्टी के चूहे पर बिल्ली दौड़ती नहीं है पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए। लेकिन मनुष्य को देखिए, वही मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मंदिर में स्थापना की गई है, तो क्या वो मूर्ति बेजान आपके जीवन के दुख को दूर करने में सक्षम है? आप कुछ समझ सकते हैं? साहब कहते हैं, पारख बिन परिचय नहीं। हम दुनिया में बहुत परिचय करते हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत परिचय है। साहब कहते हैं, ये बाहरी परिचय काम आने वाली नहीं है। बाहर के जितने प्राणी पदार्थ परिस्थिति देखने सुनने और भोगने में आती है, वो केवल बाह्य रूप से, जब तक शरीर है तब तक जीवन व्यवहार के लिए। लेकिन जब हम अपने भीतर अपने मन स्थिति को देखते हैं कि मैं वाकई में मुझे जो करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूं, साहब कहते हैं पारख के अभाव में मनुष्य यत्र तत्र जहां तहां भटक रहा है। एक सामान्य प्राणी जीव जंतु के सामने अगर खाने पीने की वस्तु आप रखते हैं तो जो उनको उचित लगेगा, खाने की चीज है, उसी को खाएगा, बाकी छोड़ देगा, पेट भरेगा छोड़ देगा। लेकिन मनुष्य जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वही काम करता है और अंत में दुख पाता है और दोष देता है दूसरे को। साहब कहते हैं, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। कहा जाता है कि एक संत की बहुत प्रसिद्धि थी, एक संत की बहुत गांव में देश में बहुत उसकी प्रसिद्धि हो रही थी। और वो प्रसिद्धि थी कि वे संत किसी भी वस्तु को दूर से देखकर पहचान लेते थे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मैं कह रहा था कि एक संत की प्रसिद्धि थी कि वे दूर की वस्तु को देख करके ही पहचान लेते थे, बता देते थे दूर से। और उस देश में जो एक राजा थे, तो मंत्रियों के माध्यम से पता चला, राजा तक बात पहुंची कि एक संत हमारे इस देश में आए हैं, गांव में,
और उनके लिए कहा जाता है कि वे कोई भी चीज वस्तु को दूर से ही देख करके पहचान लेते हैं। तो राजा को लगा कि परीक्षा लेनी चाहिए, जब आए हैं तो जांच पड़ताल करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो राजा ने आदेश दिया कि दो गमले में गुलाब का फूल तैयार करवाओ किसी कारीगर से, उसमें से एक असली हो और एक नकली। दो गमले में फूल और ऐसा कारीगरी होना चाहिए कि मैं खुद देख करके ना पहचान पाऊँ कि कौन असली है और कौन नकली है। यहाँ तक कि जो कारीगर बनाने वाला है वो भी पहचान ना पाए कि कौन असली और कौन नकली है। ये राजा ने आदेश दिया और आदेश दिया तो तैयार करके मंगवाया गया कारीगर से। बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूल दो गमले में, और उस सज्जन को संत को एक कमरे में ठहराया गया था। तो जैसे एक बड़ा सा हाल है, ऐसे ही हाल में उस गुलाब के जो फूल थे गमले में उसको मंगाया गया और वहां पर बहुत लोग बैठे थे और संत को भी बुलाया गया। तो एक टेबल पर वहीं पर दोनों गुलाब के फूल को रख दिया और संत को बुलाया गया। दूर में बैठे थे जैसे यहाँ पर साहब जी बैठे हैं वैसे, और दूर वहाँ पर संत बैठे थे। और ये तो खुला है, वो एक बंद कमरा था, मतलब हाल था, खिड़की थी, सब खिड़की बंद था। तो राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप दूर की वस्तु को देख करके ही बता देते हैं, पहचान लेते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कहा। तो राजा ने कहा, आदेश दिया कि ये जो मेरे हाथ में दो गुलाब के फूल हैं इसमें से एक असली है और एक नकली है। तो इसमें से आप उनको बताना है कि कौन सा फूल असली है और कौन नकली है। तो संत जी देख रहे थे तो संत मौन हो गए कुछ देर। वो उसको भी आश्चर्य लगा कि बताएं तो कैसे बताएं। तो कुछ देर तक मौन रहे, आँख बंद कर लिए, और उसके बाद जो मंत्रीगण बैठे थे आसपास में उनको संकेत किया, क्या खिड़की खोल दो। पूरा बंद कमरा था, हाल था, खिड़की लगी थी, तो खिड़की को खोलने के लिए कहा गया। तो एक खिड़की को खोल दिया गया तो उसमें से जैसे भंवरे होते हैं ना तितली, वो जो बाहर थी वो अंदर आ गया हाल में खिड़की से, और खिड़की के हाल से अंदर आया। और उसके बाद वो तितली जो है एक रस लेने के लिए बैठ गया। तो संत ने बताया कि राजा साहब आपके दाएं हाथ का जो गमला है फूल है वो असली है और बाएं हाथ में जो आप पकड़े हैं वो फूल नकली है। तो राजा ने कहा कि
कि आपने बताया तो सही, लेकिन आप कैसे जान गए कि एक फूल असली है और एक नकली है? तो संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि आदमी भले धोखा खा जाएगा, आदमी धोखा खा सकता है, लेकिन तितली कभी धोखा नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो गंध से ही जान जाती है कि ये फूल असली है या नकली है। वो नकली फूल में नहीं बैठेगा, असली में बैठेगा। भौंरे जो है नकली फूल में नहीं बैठेगा, असली में ही बैठेगा। संत कहते हैं कि मनुष्य भले धोखा खा जाए, लेकिन तितली कभी धोखा नहीं खाता है। कहने का मतलब ये है कि हम सब ये जीव परख है, पारख है, परख स्वरूप है, पारख रूप है, वो धोखा नहीं खाता है। लेकिन कब? जब सही समझ हो तब। एक छोटा सा घड़ा खरीदते हैं लोग, तो उसको जांच परख करके लेते हैं, कहीं कहीं कच्चा तो नहीं रह गया है, कहीं पका तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। लेकिन आज मैं कहा ना कि नकली चूहे पर बिल्ली नहीं दौड़ेगी हमला करने के लिए, लेकिन मनुष्य कहीं भी जाता है तो अपने विवेक बुद्धि को एक किनारे रख देता है। कहीं भी जाता है तो वो अपने विवेक को निकाल देता है। मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाता है, तीर्थों में जाता है, तो विवेक नहीं करता है। साहब कहते हैं पारख बिन परिचय नहीं। जब तक आपके पास परख शक्ति नहीं रहेगी तो आपका सारा परिचय बेकार है, है ना? आप हजारों परिचय कर लीजिए, लेकिन क्या होता है, आपके पास परख शक्ति नहीं है, परख का अभाव है, तो आप हमेशा धोखा खाएंगे और ठगाएंगे। तो होना क्या चाहिए कि हमको परख करना चाहिए, क्योंकि जीव मात्र क्या है, पारख है, उसमें शक्ति है वो परखने की। इसलिए साहब कहते हैं पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न ज्ञान। सत्संग में ही जाकर के क्या होता है, बोध ज्ञान विवेक की जागृति। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को सत्संग में क्यों जाना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और जवानों को किस लिए जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो संस्कार चाहिए, क्या जवानों को संस्कार नहीं चाहिए? जब तक शरीर है, चाहे बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, सबको क्या चाहिए, सबको संस्कार चाहिए। संस्कार का मतलब हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो स्वभाव है, वो जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक स्वभाव परिवर्तन। हमारा स्वभाव कैसा है, कहते हैं ना, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कौवा जो है काला होता है, लेकिन उनका स्वभाव भी काला है, क्योंकि गंदगी में चोंच मारता है। ऐसे ही पहले यह मन काग था, ये जो मन है ना, बहुत पाजी है,
पल पल धोखा देता है हमको, मनुष्य को। इसलिए मन से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। और जो मन से सावधान नहीं रहता वह हमेशा दुख पाता है, अशांत रहता है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर माहौल में हमें अपने मन की परख करना जरूरी है। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते शुर नर मुनि झड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, और इसको शांत रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए चित्त को शांत करना पड़ेगा। क्यों? कबीर साहब ने क्या कहा है, कबीर मन तो एक है ना, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। हमारा मन एक ही है, लेकिन क्षण में ही भग जाता है। भग दरवाजे कई हैं इसमें निकलने के लिए। साहब कहते हैं, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। दुविधा तज निर्भय रहे, दुविधा संदेह है। आज आदमी पल पल संदेह करता है, जिस घर में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उस पर संदेह नहीं। जो भाई है, बहन है, पत्नी है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप संदेह करेंगे तो आपका घर परिवार सुचारू रूप से नहीं चलेगा, उसमें आपको जीने में मजा नहीं आएगा। जीने में मजा तब है परिवार में, घर में, जब आप सबके प्रति पूर्ण विश्वास करते हैं, सबके प्रति समर्पण भाव, प्रेम भाव और विश्वास। वही घर, वही परिवार सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जिस घर में थोड़े थोड़े के लिए संदेह, दुविधा आते रहते हैं, वो घर परिवार थोड़े दिन में बिखरने लग जाता है। इसलिए जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, सबके प्रति प्रेम और विश्वास होना चाहिए, तभी घर परिवार समाज व्यवस्थित चलता है और उन्नति भी करते हैं। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब की साखी, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। संत वही है, सज्जन वही है जो अपनी विवेक परख शक्ति को जागृत रखता है और संदेहों से दूर रहता है और अपने जीवन को ज्ञान से ओतपोत रखता है। वही सज्जन है, वही संत है, वही विवेकी है। और ऐसे सज्जन संत अपने जीवन में दुर्गुणों को निकाल करके, सद्गुणों को ग्रहण करके स्वयं सुंदर जीवन जीता है और दूसरों के लिए भी रास्ता निकालता है। और अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय।
संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी विचारों के क्रम में कुछ देर के लिए निवेदन है श्री पुराण साहब जी से कि आप भी कुछ मिनट अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। कबीर नामं परमं पुनीतं, कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। आनंदीसीयो सर्वपर है बस अपने हृदय का पट खोलो, एक बार सब मिल कर के सद्गुरु कबीर की जय बोलो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मासिक सत्संग कार्यक्रम का आज का अवसर है। अभी हम सब श्रद्धेय संतों के विचार श्रवण कर रहे हैं कि ये भी बड़े अच्छे अच्छे प्रसंगों पर दोनों संतों के विचार सुनने को मिला। मुझे भी कुछ समय के लिए अवसर जो मिला है उस पर कुछ सेवा सद्गुरु कबीर साहब जी के यह साखी पर, एक एक साखी जो है, एक एक शब्द जो है महापुरुषों का बड़ा शोध करके, संशोधन करके, कई वर्षों के खोज के बाद उसे लिखते हैं या किसी और को बताते हैं। इसी सिलसिला अनेक अनेक महापुरुष जो है अपने मन और मस्तिष्क से नई नई खोज अनुसंधान करते हुए मानव समाज के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किए। वास्तव में मैं मनुष्य को ही दिशा निर्देश, उसे चलने के लिए आदेशों का, नियमों का पालन करना होता है। संत महापुरुष उसके लिए समाज में सुव्यवस्था हो, सुख और शांति हो, विवाद ना हो, सभी अपने जीव अपने कार्य प्रणाली के द्वारा संसार में बड़े ही अच्छे ढंग से आनंद के साथ इस अमूल्य जो जीवन जो हमें जो मिला है उसे हम व्यतीत करें, समय समाप्त करें और हो सके तो अपना जो खास जो काम है मनुज तन की सफलता, है मनुज तन की सफलता, निज बोध मन विश्राम में, है मनुज तन की सफलता, निज बोध मन विश्राम में। मनुष्य तन मिलने का इनका उद्देश्य और लक्ष्य और सफलता क्या है तो निज बोध मन, निज बोध अपने आत्म तत्व स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए,
अभी सांप जो बताए जो है परख होनी चाहिए। हमारा जो स्वरूप जो है पर पारख ही है, पारख स्वरूप ही है, विवेक स्वरूप ही है। ये तो माया के जंजालों में अज्ञानतावश यह जन्मता है, मरता है, दुखों में अपने ही कर्मों के ही अनुसार से सुख दुख ये भोगता चला आ रहा है। और संतों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से इन बंधनों से छुट्टी होने के लिए, मुक्त होने के लिए ही यह और सत्संग का परम आवश्यकता है। तो है मनुज तन की सफलता निज बोध मन विश्राम में, निज की अपने आत्म तत्व स्वरूप की बोध होना हमें ये परम आवश्यक है। और मन को शांत करने का हमें सतत अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। तो मन को शांत कर लेना और वास्तविक में वही विजयी होता है, वही शक्तिशाली है, वही सामर्थ्यशाली है जो अपने मन को संचालित सही ढंग से जो करते हैं। विषय वासनाओं में अन्य जो जहाँ तक बंधनदायी जो कर्म है या चिंतन है, विचार है, उनसे ये सदा बचते रहते हैं। जो विवेकी लोग हैं, जन है, जिज्ञासु जन है, बंधनदायी कर्मों से अपने आप को बचाते ही चलते हैं। तो है निजबोध और मन की एकाग्रता, शांत हो जाना। तो इस प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, केरा पानी बुदबुदा असमानुष की जात, केरा पानी बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे ज्यो तारा प्रभात। उदाहरण देते हुए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिस प्रकार से आकाश मंडल में रात्रि में सूर्य जब नहीं होता तो चंद्र और तारागण होते हैं, टिमटिमाते हैं, उनका प्रकाश हम सबको दिखता है। और इतने भी इतने दूरी पर भी तारे हैं जिनका आज तक पृथ्वी में उनका प्रकाश ही नहीं पहुंचा है, इतनी इतनी दूर पर हैं। क्योंकि ये आकाश मंडल जो अनंत है, इसके कोई सीमा नहीं है, खोज ही नहीं किया जा सकता, किया भी नहीं गया है, इतना अनंत है, इसलिए इसको अनंत कहते हैं, आदि अनंत। तो इतनी इतनी दूरी पर प्रकाशित तारागण हैं जिनकी सूर्य तक अभी तक भी रोशनी नहीं आई, किरण नहीं पहुंची है। ये तो सूर्य चंद्र उतना दूर नहीं है, जिनसे हम सब प्राणी जीवित हैं, उनसे हम सब लाभ लेते हैं। तो ये उदाहरण सदगुरु कबीर साहब जो है कि केरा पानी बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे ज्यो तारा प्रभात। देखते ही देखते सूर्य जब उदय हो जाता है, सुबह प्रातः काल जब होता है, तब वह टिमटिमाते तारा पूरे आकाश में तारा मंडल दिखता है, वह एक भी दिखाई नहीं देता, लुप्त हो जाता है। तो रहता तो है पर उनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने विलुप्त हो जाता है, छुप जाता है। ऐसे ही उदाहरण दिए हैं सदगुरु कबीर साहब कि केरा पानी बुदबुदा, केरा का जो पेड़ है सब जानते हैं, परिचित हैं, उसमें 90% कहा जाए पानी ही है, जल ही रहता है। केला, केला में पानी ही पानी भरा होता है। ये पृथ्वी में भी 75% पानी ही, जल ही जल है, और 25% में ये पृथ्वी, यह ठोस पदार्थ, ये पृथ्वी है जहाँ हम प्राणी सब रहते हैं, वनस्पतियाँ हैं, इसमें हम कार्य करते हैं। और तो ऐसे ही इस शरीर में भी 75% जल ही जल है, इस मनुष्य के शरीर में जल ही जल है 75%, 25% ही और हड्डी मांस अन्य अन्य वस्तुएं हैं, ठोस वस्तु है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही है केला के समान। तो केला पानी बुदबुदा, केला के पानी, ये पानी किस प्रकार बुदबुदा, वो थोड़ा सा पानी जब गिरता है या फेन उठता है तो थोड़े में ही वो फूट जाता है, लुप्त हो जाता है, बहुत देर तक वह ठहरता नहीं है।
तो केरा पानी बुदबुदा आसमान उसकी जात, ऐसे ही ये मनुष्य की जीवन लीला ही है। लगता तो है हम साल साल 80, 90, 100 साल, 50, 75 साल हम जीवित रहते हैं, पर अनंत काल के समय में वह कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो है इसको मनुष्य देह पा करके वास्तविक में मनुष्यता का वह काम नहीं करता है। मनुष्य होने का उसे कितने लोगों को मनुष्य धारण देह धरने के बाद भी अन्य प्राणियों के तरह वह अपना जीवन जी करके वह चला जाता है, फिर पुनः अन्य शरीर धारण करके जो आता है। विवेकी संत बताते हैं यदि आपको मोक्ष आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, उतना आपके पास क्षमता नहीं है, तो कम से कम मनुष्य के मनुष्य योनि में आ जाए, ऐसा तो कार्य करते, ऐसा तो कर्म करिए आप समाज में, सबसे हिलमिल जुल करके रहिए, प्रेम से, समता से, निर्विवाद होकर के। सद्गुरु कबीर साहब जी का उनका शरीर का यही उदाहरण दिया जाता है कि झीनी झीनी रे चदरिया, सद्गुरु कबीर साहब जी ऐसे ओढ़े, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। सुखदेव जो है और ये सब महापुरुष जो है अपने भक्ति के प्रताप से निर्मल किए, शुद्ध रखे, साफ रखे, पर फिर भी कहीं ना कहीं दाग सिद्धांतों के अनुसार उन सब महापुरुषों में मिलता है। बहुत कुछ किए उन सब महापुरुषों ने, पर उसी ऐसे ही जीवन शैली में सद्गुरु कबीर है, तो सद्गुरु कबीर साहब भी इस शरीर को ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो चार दोष बताते हैं, कौन सा दोष पूरा ख्याल नहीं है, जन्मना ये जो है, तो इन दोषों से, माया के दोषों से ये उठे हुए थे। सद्गुरु कहीं लिपायमान नहीं थे, सबको सजग और सावधान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वे कहते हैं, संतों को तो बार बार कहते हैं, संतों सहज समाधि वाली, संतों का उनका टेक ही है सद्गुरु कबीर साहब जी का, जो सुजान है, समझदार है, समझ सकते हैं, जिनके पास जिज्ञासा है समझने की, समझदार प्राणी है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ही मनुष्य को सद्गुरु कबीर साहब जो है शिक्षा देते हैं। और जो अन्यथा बोलत बोलत बाढ़ विकारा, और जो बोलिए सो पड़े विचारा, सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को आप शिक्षा न दीजिए, उपदेश न दीजिए, जो आप विचार में नहीं पड़ता है, समझदार नहीं है। नहीं तो होगा क्या कि जो है पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जगमारी। सद्गुरु कबीर साहब इस पर भी उपदेश देते हैं कि मूर्ख के पास आप मौन ही रह जाइए, चुप ही रह जाइए, शांत ही रह जाइए, उसी में भलाई है। और नहीं तो मूर्ख तो मूर्ख ही है, विद्वान उसे जब टकराते हैं तो मूर्ख भी विजयी होते हैं, क्योंकि उनके पास वो लठत है, वो समझने का नाम नहीं लेते, हमारी ही बात को ही, अपने ही बात को सिद्ध करते हैं, कैसो भी, किसी भी तरह से। तो ऐसे लोगों के पास आप न बोलिए पंडित स्वामी, बोलिए हितकारी, जो समझदार है, बुद्धिमान है, ऐसे विद्वानों के पास, मनुष्यों के पास आप कुछ बोलिए। और थोड़े में बोल करके सब कुछ हो जाता है, कई विशेष विस्तार करने की विशेष जरूरत नहीं है। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जगमारी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं मूर्ख लोगों से आप चुप ही हो जाइए, शांत ही रहिए, अपना ऊर्जा को क्यों समाप्त करते हो। कहीं कबीर अधगढ़ डोले, पूरा हो विचार ले बोले। हाँ, यदि हम किसी बात कि हमें पूरा जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं किसी विचार पर बोल रहे हैं विचारधारा से, और यदि हमें उनकी बातों को काटने का है या उसमें संशोधन करने का अपनी समझ नहीं, समझदारी नहीं है, तो उसमें एकाएक कूद नहीं जाना चाहिए, उस विचारों में अपने विचार को डालना ही नहीं चाहिए। पर कुछ लोगों के ऐसी ही बात होती है, कोई लोग बोल रहे हैं तो उसमें बीच में बोल ही पड़ते हैं, रुस जाते हैं, जबकि ये नियम नहीं है। ऐसा कहा गया कि राजा भोज एक बार राजा थे, अपने महल में गए, उनकी रानी अपने सहेली से, खास सहेली से कुछ चर्चा कर रही थी, बात कर रही थी। उसी समय जो है राजा भोज जो है
वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वे राजा ही थे, कोई रोक टोक तो था ही नहीं, और उनका ही महल, उनकी ही रानी, उनकी ही दासी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर भी चले गए, पर जैसे ही गए राजा भोज, उनकी रानी भी, रानी लोग भी पढ़ी लिखी होती हैं, विदुषी होती हैं, जानकार होती हैं, अपने राजा को भी सही सलाह देते हैं। युद्ध के मैदान में रानियां लोग भी कितने काम कर गई हैं, तो ये उनके पास बहुत कुछ बुद्धि और क्षमता होती है। ऐसी राजा भोज की रानी थी। जैसे ही राजा भोज वहाँ पहुँचे, वो तत्काल बोल दिए कि मूर्ख, इतना ही बोले, ए मूर्ख। राजा साहब बोले, अरे ये मेरा ही महल है, मेरी ही रानी है, मेरी ही दासी है, और मैं स्वयं राजा हूँ, मैं इनके पास गया, अपने ही तो है, पर ये मेरी रानी आज तक ऐसा मुझे बोली ही नहीं थी, आज क्यों कह दी, कैसे कह दिए, मुझे मूर्ख बोल दिए, मूर्ख कह दिए। पर उस समय वह राजा भी उससे प्रत्युत्तर नहीं किए, चुप लौट आए। रानी है, हो सकता है किसी कारण से मुझे कह दी हो, परंतु बुरा लगा, राजा थे वे, उनका पतिदेव भी थे। फिर भी उनका अनुसंधान शुरू हुआ, इस बात को प्रत्यक्षीकरण के लिए, यथार्थ क्या है, सही क्या है, आखिर रानी मुझे मूर्ख क्यों बोल दी। रानी से भी पूछ सकते थे, बाद में भी पूछ सकते थे, पर उस समय वो कुछ नहीं किए। अब राज दरबार का समय हो गया था, राज दरबार में पहुंचे, वो पहले से पहुंचे, उनके मंत्री लोग क्रमशः आने लगे। राजा भोज जो पहले पहुंचते उन्हीं को वे कहते, ए मूर्ख, ओ मूर्ख, आइए बैठिए। जो मंत्री आते, जो भी व्यक्ति वहां राज दरबार में जाने लायक व्यक्ति वहां पहुंचते, वो सबको ही यूं ही कहा, आइए मूर्ख बैठिए। और सभी लोगों में हिम्मत नहीं थी, राजा जब बोल रहे हैं मूर्ख बोल रहे हैं, कभी हम लोगों को भी ऐसा नहीं बोले थे, आखिर क्या है, क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं पाए वे लोग भी। होते होते वो बैठते गए, मूर्ख सबको ही बोले। अंतिम में उनका प्रधानमंत्री जब आए, उनको भी उन्होंने यही बोला कि आइए मूर्ख बैठिए। तो वो जान, प्रधानमंत्री भी वास्तविक में सामान्य व्यक्ति तो होता नहीं है, पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, हर तरह से पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, तो वो तत्काल बोल पड़े, क्यों राजा साहब, आज तक हमें मूर्ख आप नहीं बोले, और सबको भी बोल दिए, उन्हें पता नहीं था, पीछे आए प्रधान थे, तो राजा साहब आपने हमें मूर्ख क्यों बोले, मैं कैसे मूर्ख हुआ, वो प्रश्न कर दिए राजा साहब से। जब प्रश्न कर दिए, वे जानते थे मूर्ख किन किन लोगों को कहा जाता है, पांच लोगों को मूर्ख कहा जाता है शास्त्रों में, नीति में, ये नियम शास्त्रों का कथन है। तो उन्होंने श्लोक बोला, आपने मुझे मूर्ख कह दिए राजा साहब, परंतु मैं मूर्खता का काम तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं किया हूँ, पर आपने बोले तो श्लोक बोले, वो श्लोक ये है, खादन न गच्छामि हसन न जलपे, खादन न गच्छामि हसन न जलपे, गताम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। राजा भोज, आप मैं बताइए, ये पांच व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, खादन न गच्छामि, खाते हुए नहीं चलना चाहिए, रस शरीर में उनका बनता है, अच्छा शांति से बैठ करके, हर चिंतन को छोड़ करके, शांति पूर्वक हजारों काम को छोड़ करके आप भोजन कीजिए, समय पर कीजिए, उनका रस हमारे शरीर में उसी का पालन पोषण शरीर का होता है। तो मैं खाते हुए भी नहीं चलता हूँ, खादन न गच्छामि हसन न जलपे, हंसते हुए बोलना नहीं चाहिए, ये असभ्यता है, या पानी पीते हुए नहीं हंसना चाहिए, पानी पिएंगे और हंसतेंगे, हंसते रहेंगे तो आप अटक जाएंगे, श्वासें रुक जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो खादन न गच्छामि हसन न जलपे, गताम न सोचामि, और जो काम हो चुका, हम कार्य कर चुके, अच्छा भला बुरा जो भी, उस पर हम चिंतन न करें, अफसोस न करें, किसी और के गताम कृतम न
गतामन सोचामि, गए हुए बातों को सोचना नहीं चाहिए, वो तो गए, लौट कर आएगा ही नहीं, है ना। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, तीर जो कमान से निकल गए धनुष से तो उसका पीछा कौन करे, वो तो छूट गया, छूट ही गया, वापस नहीं आने वाला है। तो गताम न सोचामि कृतम न मने, और किए हुए अपने किए हुए कार्यों को अपने मुख से बखान नहीं करना चाहिए। कई महापुरुष किए हैं, प्रमाण है, उसको वो नहीं कहूँगा। तो अपने हुए कार्यों को अपनी ही प्रशंसा लोगों के बीच में बार बार नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ महाराज, न चलते हुए भोजन नहीं करता, खाता नहीं हूँ, हंसते हुए मैं न पानी पीता हूँ न बोलता हूँ। गताम न सोचामि, और गए हुए बातों को क्या किए कराए को मैं सोचता ही नहीं, हो गई बात, सही हो भला हो। गताम न सोचामि कृतम न मन्ये, और अपने किए हुए कार्यों का मैं प्रशंसा मैं नहीं करता। चार बात तो बात निकल गई, तब तक उत्तर उन्हें मिला नहीं राजा साहब को। वो सुनते रहे, वो भी विद्वान थे ना, सुनते रहे। फिर अंतिम लाइन जब आती है, द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन, मैं जो दो व्यक्ति बात कर रहे हों, चाहे अपने ही व्यक्ति क्यों ना हो, दो व्यक्ति बात कर रहे हों, कोई भी बात कर रहे हों, एकाएक नहीं जाना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। आपको काम है तो बाद में उससे मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए, या बातों को समझ करके अनुमान लगाइए कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। जाने लायक है तो वहाँ जा करके आप चुप खड़ा हो जाइए, कुछ बोलिए मत, कहिए मत, या अपना विचार ना दीजिए। बोलत बोलत बार में वो भी आया है, तो लोग कूद पड़ते हैं। तो मैं द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन, दो व्यक्ति जहाँ बात कर रहे हो, मैं तीसरा व्यक्ति मैं नहीं जाता, नहीं कोई विचार देता, हट जाता हूँ, दूर बैठ लेता हूँ। तो ऐसा तो राजा साहब पकड़ लिए, बात वो समझ गए कि हाँ बात मैं ही गलती किया हूँ, यही बात मैं किया हूँ। द्वाभ्याम मेरी रानी है तो क्या हुआ, मेरा ही माल है तो क्या हुआ, मेरी रानी और उनकी सहेली बात कर रही थी, विचार किया, बात कर रही थी और मैं चला गया। तो वास्तविक में नियम जो कहता है वो नहीं जाना चाहिए, बात में मिल लेना चाहिए, मैं चला गया। अब हाँ ये बात ठीक है, तभी मेरी रानी ने मुझे जो है मूर्ख जो कहा, ये बात सही है, सत्य है। द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजम, अब किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। महाराज भोज आप बताइए मैं कैसे मूर्ख हूँ, पांचों बात मैं नहीं करता। तब उन्होंने बताया कि शाबाश धन्यवाद, आप मंत्री वास्तव में मंत्री के लायक ही हो, मूर्ख ये सब आप सब बैठे जितने सभासद हैं और आप मंत्री जी आप हैं, आप मूर्ख नहीं, आप लोग मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो मैं ही था, मैं ही हुआ हूँ। फिर बात बताया ऐसी बात है, तो द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन और किम कारणम भोज भवामि मूर्खः, ये उत्तर उनको मिला। तो ये पांच ऐसी बातें हैं, और न कुछ कह करके समय भी हो चुका, मैं अपने वाणी पर यही विराम देता हूँ। बोली सतगुरु कबीर साहेब की जय।